भारतीय किसान संघ जिला बड़वानी के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय पर किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। किसानों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की मांग है कि सभी बैंकों का कर्ज 2 लाख तक माफ किया जाए, सारी शर्तें हटाई जाएं। किसानों द्वारा पूर्व में मक्का एवं सोयाबीन भावांतर योजना में तुलाई की गई है। उनका भावांतर का 500 रुपए क्विंटल प्रोत्साहन राशि तत्काल किसानों के खाते में डाली जाए। वचन पत्र के हिसाब से 2200 रुपए क्विंटल गेहूं की खरीदी की जाने की मांग की गई। वहीं अन्य मांगों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है। जिले में प्याज उत्पादन किसानों का पंजीयन कर सरकार द्वारा 800 रुपए नाला बनाने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को। बिंदु बार ये है, 2 लाख रुपए का कर्ज सभी किसानों का, सभी बैंकों का कर्ज माफ़ किया जाए। और दूसरा बिंदु है कि गेहूं खरीदी अभी होने वाली है, तो गेहूं खरीदी में उनके वचन पत्र के हिसाब से 2200 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदी करी जाए। तीसरा बिंदु है दूध का है, दूध में जैसे वचन पत्र के हिसाब से उन्होंने 5 रुपए लीटर के प्रति लीटर बढ़ाने की बात कही, वो भी बढ़ाया जाए। फिर 300 रुपए प्रति टन गन्ने का भाव प्रोत्साहन राशि दी जाए किसानों को। और पूर्व में अपने मक्का और सोयाबीन तुलई करी गई, किसानों ने 500 रुपये भावांतर योजना के अभी तक किसानों को डले नहीं है। किसानों ने 1200-1100 रुपये मक्का बेच चुके हैं और अभी तक किसानों को मतलब भावांतर का लाभ नहीं मिला है।